तो गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत आज हुई है ये आलू के कुछ फ्रेंच से होते हैं, माने चिप्स टाइप के। तो आज ये बेटे की फरमाइश में मैं यही बना रही हूँ। सुबह आलू को काट के हल्का सा उनको बॉईल करके फिर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ और वो टिफ़िन में रखने हैं उसके। तो आज सुबह मेरा यही काम हो रहा है। मम्मी मुझको ये खाना है, क्योंकि आजकल के बच्चे देखते हैं ना, कोई लाता होगा तो वो भी यही फरमाइश करते हैं कि हमको भी यही खाना है। तो मैं आज सुबह यही बनाने लग गई हूँ उसके लिए। और एक तरफ मैंने बना रखी है उसके लिए मैगी टिफ़िन में रखने के लिए। तो चलिए फटाफट से उसका टिफ़िन रेडी कर लेते हैं और इनको भी मैं फ्राई कर देती हूँ फटाफट से। और उसके टिफ़िन में पैक करना है अलग अलग, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। 7 बजे उसे स्कूल जाना होता है। तो मैं आज मेरा सुबह यही काम हो रहा है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं इनको। धैर्य करारे करने हैं है? सॉफ्ट कैसे कैसे बनाने हैं? क्रिस्पी टाइप, माने खाने में क्रंची लगे। तो क्या क्या है थी? ओके, कितने सारे जतन, एक टिफिन में सॉस, एक में फ्रेंच फ्राइज, एक में मैगी। चलिए भाई, आपकी डिमांड भी पूरी की जाए। ये हो चुके हैं फ्राई। सुबह ये काम। बच्चों की फरमाइशें। क्रिस्पी हो चुके हैं। चलो सॉस रख देते हैं। और एक तरफ बन रही है मॉर्निंग की चाय, एकदम कड़क अदरक वाली। तो बस हमारी मॉर्निंग की शुरुआत तो हो चुकी है। तो बेटा जा चुका है स्कूल और मैं भी अपना काम करके बैठी हूँ। तो बाकी सारा काम हो चुका है। अब बज चुके हैं अभी 11:15। तो अब बनाने का टाइम है खाना। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ झोई चावल। आजकल लगातार दो दिन से हमारी पहाड़ की डिश ही चल रही हैं। तो मैं वही आज भी मैं झोई चावल बना रही हूँ, वो भी थोड़ा अलग डिफरेंट तरीके से आपको दिखाऊंगी। आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगी। तो बस इसी तरीके से मैं अपना टाइम पास करती हूँ। बेटा स्कूल चले जाता है, कभी ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, थोड़ी देर अपना काम होता रहता है, ब्लॉगिंग भी चलती रहती है। तो बस मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है, तो मैं वो चीज़ कर रही हूँ और मेरा टाइम पास भी हो जाता है, सबसे बड़ी बात है। तो बस मैंने अपनी खुशी के खातिर ही ये ब्लॉगिंग स्टार्ट की है और आप लोग का इतना सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। जितना मैं आप लोग को थैंक यू कहूँ उतना कम है। प्लीज़ आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, अब मैं झोई बनाने जा रही हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ आज। तो सबसे पहले झोई के लिए बन रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़े, क्योंकि बिना पकौड़ों के तो कोई खाता नहीं है। तो देखिए मैं फटाफट से पकौड़ियाँ बना रही हूँ। और आज ना मैंने छोटी छोटी नहीं बनाई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने ना थोड़े बड़ी पकौड़ियाँ बनाई हैं ताकि गर्मी कम लगे और जल्दी से बन जाए। तो बस मैंने मेथी का मार दिया है तड़का और बस मैं सिंपल तरीके से झोई बनाऊँगी और उसके बाद लगाऊँगी मैं इसमें तड़का। आज मैं इसमें डबल तड़के वाली झोई बनाने वाली हूँ। तो बस जब ये बन जाएगी तो तब देखिएगा मैंने इसमें और क्या क्या चीज़ का तड़का लगाया। तो मैं झोई फटाफट से ये बन जाएगी, उसके बाद मैं डबल इसमें तड़का लगाऊंगी। तो चलिए तड़का लगा देते हैं। और तड़के के लिए मैंने लिया है हल्का सा रिफाइंड। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ लाल मिर्च, धनिया, जीरा और हल्की सी राई। और हल्की सी इसमें डालूंगी मैं कलर वाली मिर्च। तो कलर वाली मिर्च भी मैं इसी में डाल दूंगी, अभी थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए उसके बाद मैं इसमें कलर वाली मिर्च डालूंगी और इसका तड़का मैं डाल दूंगी झोई में। तो देखते रहिएगा आप। अब मैंने इसमें डाल दिए कलर वाली मिर्च और ये अच्छी तरह से देखिए
एकदम से तड़का तैयार हो चुका है। अब हम इसे डाल देंगे झोई में, और झोई में हमने पकौड़ियाँ ऐड करी दी हैं। तो बस चलिए तड़का भी इसमें डाल देते हैं, और उसके बाद आप कलर देखिएगा थोड़ा झोई का। तो ये तड़का गया झोई में, और उसके बाद मैं अब इसका कलर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया, और हम इसे थोड़ा सा चला देंगे, और बहुत ही टेस्टी हुई थी। आप देखकर ही लगा सकते हैं अनुमान की कितनी अच्छी हुई होगी। तो खाने में भी उतनी ही टेस्टी हुई जितना देखने में लग रही है। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर एक तोता, फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक तोता है जो बोलता है मिठू 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 नहाया भाई, मिठू नहाया है, मिठू मिठू ठंड लग रहा, मिठू ठंड लग रहा, ठंड मिठू हाँ हाँ नहा लिया मिठू, हाँ हाँ नहा लिया मिठू नहाएगा, नहा लिया मिठू मिठू खाना खाएगा नहाएगा मिठू 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 हाँ मेरे पास मिठू क्या कर रहे हो? देखिए ये बिट्टू बोलता है, खाना खा लिया, खाना खा लिया, नहा लिया, नहा लिया, आपने नहा लिया? बाय मिठू, मिठू बाय, बाय बोल दो बाय, वाओ बाय बोलो, नहा लिया? बाद में जा, तो कल मेरे को काट दिया था उसने, बस ऑलमोस्ट मिठू को खाना खाया, खाना खाया, हम जाए जाए हम जा रहे, बाय 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 बाय। तो अभी टाइमिंग हो रही है 6:30, और मैं आपको धूप दिखाती हूँ जरा सी। इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, कम से कम 7 बजे बाहर निकलने का होता है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये देखिए अभी धूप, और धैर्य गया है खेलने, और मैं बना रही हूँ सब्जी। तो मैं सब्जी वब्जी बना के ही बाहर को जाती हूँ घूमने के लिए। तो चलिए सब्जी भी देख लेते हैं। आज मैं बना रही हूँ खाने में भिंडी। तो भिंडी को मैंने करारी होने के लिए रखा हुआ है, थोड़ा सा ही करारी हो जाए तो उसके बाद हम भी थोड़ा बाहर टहलेंगे, और गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज की व्लॉग में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।